बारिश जो होंगी कमाद देखो जो मर्जी हो रत्ता रुक पै जाएगा जो नमी होंगी ना उदो मतलब यह फंगस आँगी है उसका बेहतरीन हल जरा कि जिसल असी बीज बीजते हैं ना उसने कम से कम जहर लाया जाए बीज सी ट्रीटमेंट की जाए वो टाइम लंघ गया कोई नहीं कोई वो टाइम गया लंघ देखो हूँ तो कुछ नहीं हो सकता है ना लेकिन यहाँ बेहतरीन हाल यह है कि जिसल गोभ की हालत आँगी है ना कपाह सॉरी कणक गोभ तो पहले ये नहीं कि उन्होंने देखता रहे कि सारे सीते निकल कोई एक अदा कि मुरबे एक अदा सीटा नजर आ जाए समझ लो गोभ की हालत आ गई उसले जी फंगस की स्प्रे मालूम कही अपने अच्छा चलो उसले फंगस की स्प्रे जी है ना वो की जाए अगर वो स्प्रे कर दोगे इंशाला इंशाला तो ताकि अगर खुदा ना खासा अटैक हो भी जाएगा खुदा ना खासा तो 5 to 4% 5 to 7% अटैक होगा बाकी 100% बचेगा ऐसे ऐसे जाकर सारी कोई इतनी गलत नहीं होनी गल हो जी क्लियर हो जाए सही है दिल में समझा लाँगे अभी देखो डी ए पी अगर जिदा कणक सीधी पैंती पैंती दें कई जगह से 25 दिन की फसल हो गई है लोग हाले सोच रहे हैं कि डी ए पी लैनी है पौन गए औस भी बनेगी लेकिन जो औस बननी चाहिए वो नहीं बनेगी वो कहें मैं कहना उन्होंने साल बाद 12-13 acres लेंगे और सानू पैसे दिया करो तुम उधर ला लो कोई ना कोई सिस्टम हर बंदा ही चलाऊंगा ना जिसे बचत होंगी अच्छा बस गल हो रही थी कि कोशिश करो कि फंगस तो फंगस की स्प्रे करो अगर जमीन हालात यह है बहुत अच्छी जमीन है जी 20 to 22% 25% तक जाती है इस उत्ते डीएपी नहीं लगती जिन्ना मर्जी जोर ला लो 40 to 50 उत्थे जाएगी जिसे 5 to 6 trallies रूड़ी दियाँ पाइया हो और रूड़ी भी वो जी कुछ साल क गलती सड़ती रहे फिर तुम जमीन सीटोगे उत्थे 40 to 50% उत्थे झाड़ बनेगा मतलब 15 to 20 days तो बाद झाड़ बनता वो खुराक पूरी नहीं मिलेगी पौधा सिर ठीक है नजरेगा आखिर तक जाएगा फिर सीटे नहीं एक अद्धा सीटा बनेगा बाकी सीटियां बननी एदा होंगी कि नहीं होंगी गल डी ए पी पास चल रही गल आ रही थी असल पता निकलता फिर जड़ बनती है लेकिन डी ए पी जी पाई होती है डी ए पी फॉरन असर नहीं करती 10 to 15 days 20 days नहीं भी अपना असर दिखाई जिसले पता निकलता फिर जड़ बनती है जिसले जड़ बनती है जरूरत होती डी ए पी जिसले लग जाती है ना उसले गंदम फैसला कर लेंगी है कि मैं अपने उत्ते की एवरेज लैनी कि झाड़ लेना अल्लाह ताला की तरफों कोई मसला बन जाए तो खुदा ना खासा नेरी आ गई तो बारिशा हो गई एक अलग आ लेकिन उसले पौधे का फैसला हो जाता है कि मैं अपने उत्ते 40 man 50 man जो भी एवरेज आ सारे हैगा उत्थे ते एन पी है सोना एन पी दी अगर तुम 2 बोरियां पाते हो ना समझ लो तेरी खुराक पूरी हुई है खुराक फिर तेरी पूरी हुई है अगर तुम एन पी एक पाते हो तो दिल में जरूर पता तसली दिता कि मैं एन पी पा ली है बस उसका फायदा कोई नहीं फायदा कोई नहीं है डी ए पी जी है सब तो बेहतरीन देखो साड़ी एवरेज से जो फर्क पै रहा वो डी ए पी का अभी रौला पा रहे सारी टारगेट नहीं है अभी कहने पाओ लेकिन मसला की है कि डी ए पी का जो टाइम है ना असल वो बिजाई के टाइम जिसल तुम आखिरी हल मारना आखिरी छट्टा देना उस डी ए पी तुम सीटो जे एवरेज लैनी अगर उसले असी नहीं सीटते 7 to 8 man मतलब है कि तुम तजर्बा कर लो तो एवरेज फर्क पै जाएगा सिर्फ डी ए पी लेट पाउन देना जिसले असी दाना सुटते हैं डी ए पी बी दे नाल तुसी सीटो जिसले बी दे नाल तुसी डी ए पी सीटोगे ना तो आपको 10 man एवरेज का फर्क पै जाएगा इतनी है कि नहीं डी ए पी अगर असी जिथे नहीं पाते साड़ी एवरेज ही नहीं आती जिन्ना मर्जी है रौले पाइए बेचारे जमीन का सत्यानाश कर रही है फलान कर रही है जमीन फिक्स हो रही रौला की है कि डी ए पी तो बगैर फसल नहीं होंगी इदा है कि नहीं है खासकर कणक वास्ते
ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗੈਰ DAP ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਪਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਪਾਹ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਮਰੀ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਅਗਰ DAP ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। DAP ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ SSP ਆ, NP ਆ, DAP ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਖਾਸਾ ਫੰਗਸ ਪੈ ਗਈ, 10 ਮਣ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਆਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਕਾਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 20-25% ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੱਸੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਮਾਰੋ।